हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 15 जून 2019 और यह हमारी 176वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे भोपाल का कलेक्टर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है तरुण पिथौड़ा। हाल ही में तरुण पिथौड़ा को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें ये 2009 के आईएएस अधिकारी हैं। तरुण पिथौड़ा भोपाल से पहले राजगढ़, सीहोर, बैतूल के भी कलेक्टर रह चुके हैं। दोस्तों अब बात आई है भोपाल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भोपाल के बारे में बता दें। दोस्तों भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 भोपाल में ही है। राष्ट्रीय विधि अकेडमी की स्थापना 1994 यानी 1994 में भोपाल में ही की गई थी। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद यह भोपाल में ही स्थित है। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भोपाल में लगाया गया है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भी भोपाल में ही बनाया गया है। दोस्तों 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों मौतें हो गई थी। तो इतना आपको भोपाल के बारे में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्येंद्र सिंह कहां के कलेक्टर बनाए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सतना। हाल ही में सत्येंद्र सिंह सतना के कलेक्टर बनाए गए हैं। दोस्तों अब बात आई है सतना की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको सतना के बारे में बता दें। बघेलखंड क्षेत्र का एक जिला है सतना। चूना उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए प्रख्यात है सतना। रीवा संभाग में शामिल है सतना। दोस्तों चित्रकूट जहां पर भगवान श्री राम ने अपना वनवास का समय बिताया था यह सतना जिले में ही स्थित है। मझगांव सतना जिले में ही स्थित है जहां पर हीरे की खदानें हैं। दोस्तों मैहर जहां पर मां शारदा का मंदिर है और जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है यह भी सतना जिले में ही स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी की स्थापना भी सतना जिले में ही की गई है। तो दोस्तों इतना आपको सतना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है नेपाल। हाल ही में नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। नेशनल जियोग्राफिक की ओर से कुल 5 वेदर स्टेशन लगे हैं। 8,430 मीटर और 7,945 मीटर की ऊंचाई पर 2 वेदर स्टेशन लगाए गए हैं जिसके कारण दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर बनाया गया है। दोस्तों अब बात आई है नेपाल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नेपाल के बारे में बता दें। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और दोस्तों आपको बता दें नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। तो इतना आपको नेपाल के बारे में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात में कौन सा तूफान आया है? तो इसका सही ऑप्शन है वायु। हाल ही में गुजरात में वायु तूफान आया है। दोस्तों इससे पहले भारत में फैनी तूफान आया था जो साउथ की तरफ था और अब गुजरात में ये वायु तूफान आया है। दोस्तों अब बात आई है गुजरात की, तो आपको मैप में गुजरात के बारे में बता दें। मैप में ये जगह गुजरात को दर्शाती है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विरासत महोत्सव में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है संजय साहू।
हाल ही में संजय साहू को विरासत महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले हैं और ये सागर आकाशवाणी के एक कलाकार हैं। दोस्तों बात करते हैं विरासत महोत्सव की, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला परिषद मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां तैयार की जा रही है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। हाल ही में इंदौर में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा तैयार की जा रही है। दोस्तों आपको इस प्रतिमा के बारे में बता दें तो यह प्रतिमा 66 फीट ऊंची है और 108 टन वजन की है। 9 टन का गदा है और 3 टन की छतरी इनके सर के ऊपर लगाई गई है। दोस्तों 108 बार लिखा गया है राम नाम, तो आपको इस मूर्ति के बारे में जरूर याद रखना है। यह प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों अब बात आई है इंदौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के नाम से मिनी मुंबई, इंद्रपुर, अहल्या नगरी के नाम से जाना जाता है इंदौर को। दोस्तों एकमात्र शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में स्थापित की गई थी। दोस्तों गेहूं अनुसंधान केंद्र और प्रदेश का एकमात्र डेंटल कॉलेज इंदौर जिले में ही स्थित है। आपको इसके अलावा राज्य का एकमात्र नर्सिंग महाविद्यालय, मध्य प्रदेश वित्त निगम मुख्यालय, मौसम वेधशाला, खेल हलचल पत्रिका प्रकाशन स्थल भी इंदौर जिले में ही स्थापित है। तो दोस्तों इतना आपको इंदौर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का पहला मानव रहित स्क्रैमजेट विमान किसने बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है DRDO। हाल ही में DRDO ने देश का पहला मानव रहित स्क्रैमजेट विमान बनाया है। दोस्तों आपको इस स्क्रैमजेट विमान का पूरा नाम बता दें तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमिनेस्टेटर व्हीकल स्क्रैमजेट विमान है। दोस्तों आपको बता दें यह ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भर सकता है। बालासोर में इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। दोस्तों अब बात आई है DRDO की, तो आपको इसके बारे में जरूर बता दें। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के हेड है जी सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, तो इतना आपको DRDO के बारे में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू सह जामोद को किस जिले का कलेक्टर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दतिया। हाल ही में दतिया कलेक्टर बाबू सह जामोद को बनाया गया है। दोस्तों अब बात आई है दतिया की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दतिया के बारे में बता दें। प्राचीन नाम इसका दिलीप नगर है। दोस्तों दतिया अपनी 7 मंजिला इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। सतखंडा महल, राजगढ़ महल यहीं पर स्थित हैं। दोस्तों जिले में सिंध और पहुज नदियां प्रवाहित होती हैं। वंडेरा में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों सिंध परियोजना भी दतिया जिले में ही स्थित है। भांडेर परियोजना, माता टीला बांध पर जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, यह भी दतिया जिले में ही स्थित है। तो इतना आपको दतिया के बारे में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है 14 जून। हाल ही में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रक्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए और सुरक्षित बिना भुगतान वाले रक्तदाता स्वेच्छा से रक्तदान देने वालों के लिए जागरूकता फैलाना है। दोस्तों 2004 में WHO अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ और रेड क्रिसेंट समाज के द्वारा 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें 2018 में जो थीम थी उसके बारे में, तो 2018 में वर्ल्ड ब्लड डोनर की थीम थी ब्लड कनेक्ट अस ऑल,
अब बात करते हैं 2019 में इसकी क्या थीम है। तो इसकी थीम है सेफ ब्लड फॉर ऑल। ये 2019 की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है, तो आपको इतना जरूर याद रखना है इस दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के अनुसार पितृत्व अवकाश देने में कौन सा देश सबसे ऊपर है। तो इसका सही ऑप्शन है एस्टोनिया। एस्टोनिया ऐसा देश है जो पितृत्व अवकाश देने में सबसे ऊपर है। दोस्तों एस्टोनिया में पितृत्व अवकाश 595 दिन का दिया जाता है। दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ ने 41 देशों में पितृत्व अवकाश का अध्ययन किया, जिसमें पाया कि एस्टोनिया सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर है हंगरी और तीसरे नंबर पर है बुल्गारिया। ये ऐसे देश है जो पितृत्व अवकाश देने में सबसे ऊपर है। दोस्तों आपको बता दें यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। इसका फॉर्मेशन यानी इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके हेड हैं हेनरिएटा एच फॉर। तो दोस्तों इतना आपको यूनिसेफ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समारोह खंडवा में आयोजित किया जाता है। जिसका सही ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है खंडवा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे ये समारोह, इनके बारे में भी आपको बता दें तो सुमित्रा कुमारी चौहान समारोह है जबलपुर में आयोजित किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह यह साजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। पद्माकर समारोह है सागर जिले में आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है इन चारों समारोहों के बारे में। दोस्तों इनमें से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा मेला छतरपुर जिले में लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और मेले दिख रहे होंगे उनके बारे में भी बता दें तो माघ घूगरा का मेला यह सिवनी जिले में लगाया जाता है। केदारेश्वर का मेला यह टीकमगढ़ जिले में लगाया जाता है। ध्रुवदेही का मेला यह हीरापुर जिले में हीरापुर में लगाया जाता है जो छतरपुर जिले के ही अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों वहीं जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगाया जाता है। दोस्तों अब बात आई है छतरपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट छतरपुर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश के सागर संभाग का एक जिला है छतरपुर। 15वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल ने इसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर स्थापित किया था और इन्हीं के नाम पर यह छतरपुर पड़ा है। दोस्तों 10वीं और 11वीं शताब्दी में खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा निर्मित किए गए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर हैं कंदरिया देव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ चित्रगुप्त, लक्ष्मण पार्श्वनाथ चतुर्भुज मंदिर, ये सभी प्रसिद्ध मंदिर हैं खजुराहो के। दोस्तों खजुराहो को और खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो शास्त्रीय संगीत समारोह 1976 से आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। दोस्तों केन वन्य जीव अभ्यारण्य छतरपुर जिले में ही स्थित है। केन और उर्मिल प्रमुख परियोजनाएं हैं छतरपुर जिले में ही। तो दोस्तों इतना आपको छतरपुर के बारे में याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था किसे हाल ही में कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन था धनराजू एस। धनराजू एस को कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों पर्यावरण को देखते हुए कम से कम एक पेड़ या दो पेड़ आप हफ्ते में जरूर लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।